नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा आज धूमधाम के साथ शुरू हो गई। हम आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय यानी आषाढ़ी बीज के दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी, गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट, दिल्ली के हौज खास तथा देश के अन्य भागों में भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। उमस और गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर किसी की ललक यही है कि वह रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की एक झलक पाले। ओडिशा के पुरी की बात करें तो वहां ऐतिहासिक वार्षिक रथ यात्रा में शामिल होने के लिए 10 लाख लोग पहुंचे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तमाम प्रबंध किए हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को श्री गुंडीचा मंदिर तक खींच कर ले जाने के दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि रथ यात्रा के लिए 125 विशेष ट्रेनें पुरी के लिए चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान बड़ी संख्या में CCTV कैमरे और ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव PK जेना ने कहा, राज्य सरकार ने पुरी में गर्मी और उमस वाले मौसम को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। कार्यकर्ता श्रद्धालुओं पर पानी छिड़केंगे और किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। वहीं भक्तों का कहना है कि गर्मी और अन्य किसी चीज़ से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, वह तो सिर्फ प्रभु के दर्शन और उनकी चरण रज हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जगन्नाथ जी टेम्पल। वेन एवर आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, सो मेरे को हमेशा ऐसा रहता है कि मैं जगन्नाथ जी के टेम्पल आ जाऊँ और मेरे सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि जगत के नाथ है वो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आके उनका दर्शन करके मैं रथ खींच पाती हूँ। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और बाकी बस यही हो रहा है कि उनका सेवा हमेशा मैं करते रहूं, क्योंकि मेरे पापा दादू सब आते रहे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, तो मैं भी इस पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहूं और अच्छे से उनका आशीर्वाद रहे। जय जगन्नाथ। तब तो अलग ही लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि इतने बड़े ठाकुर होके भी सबको दर्शन देने वो बाहर आते हैं, तो तब तो अलग ही लगता है। हम लोग को पहले से ही रहता है एक्साइटमेंट कि रथ यात्रा आ रहा है, हमें जाना है, दर्शन करना है। उनका बहुत अलग संपर्क है, जो एक्चुअली इस वर्ल्ड पे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे वो समझ सकता है कनेक्शन उनके साथ। जब दर्शन करते हैं तो जो फीलिंग आती है, पूरी में पैर रखते ही वो एक ऐसे फीलिंग आ जाती है कि एक तीर्थ स्थल पे हम आ चुके हैं। जिनके नसीब पे रहता है उनको यहाँ पे मिल जाता है, पर जिनके नहीं है वो भी फिर भी, अब कोई दूर है तो वो भी कर सकता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिला गया है कि वहाँ से दर्शन कर लें। बिकॉज मन से करने से चाहे आप यहाँ रहे चाहे आप कहीं और रहे, एक ही बात होती है। ये हमारे गुरु जी की कृपा से ये हमारा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी का दर्शन हमको मिलेगा। हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से आए हैं और बहुत श्रद्धा से हम लोग चाह रहे हैं भगवान जी दर्शन दे अच्छे से, और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके दर्शन चाहते हैं। उस समय का फीलिंग तो मेरे पास वर्णना करने के लिए, ये छोटे से मुंह से कुछ है ही नहीं, उनके लिए वर्णना करने के लिए कुछ है ही नहीं। बहुत हम लोग खुश हैं उनके दर्शन के लिए। सौभाग्य है हमारा कि इतना उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, और वर्णना के लिए मेरे ये छोटे से मुख से कुछ है ही नहीं। देखिए, वो दिल से जहाँ भी है उनको दर्शन ही मिल रहा है, समझ लीजिए। जो भक्त दिल से आए हैं, समझ लीजिए उनको सब दर्शन ही हो गया है। मैं हरि हूँ, जगन्नाथ स्वामी की जय। मैं हार्दिक हूँ, दिल्ली से आया हूँ और आज रथ यात्रा जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा जी के पहली बार दर्शन करने आया हूँ अपनी मम्मी के साथ, और हम सालों साल वेट करते हैं। पूरा भारत यहाँ पे आज पहुंचा हुआ है, 25 लाख लोग कह रहे हैं आए हैं यहाँ पे, और अभी हम वेट कर रहे हैं, जगन्नाथ जी बस आने वाले हैं। हम इतने खुश हैं कि भगवान की अपार कृपा है। वैसे तो हम यहाँ पहुंचने ही लायक नहीं है, लेकिन भगवान की अपार कृपा है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और धाम को स्पर्श करते हुए उसकी रज हम माथे पे लगा रहे हैं। और जगन्नाथ जी का मैं अपनी मम्मा के साथ वेट कर रहा हूँ बाहर। जगन्नाथ जी डांस करते हुए आएंगे अभी बैक एंड फोर्थ, एंड पूरा वर्ल्ड यहाँ पे है, पूरी दुनिया यहाँ पे खड़ी है, और अद्भुत नजारा है यहाँ पे। तरह तरह के लोग, फॉरेन से लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे देखेंगे आप तो डांस भी चल रहा है। फीलिंग ऐसा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आंखों में नमी आ रही है। एक अंदर से जो सेपरेशन महसूस होता है, जब जगन्नाथ जी गुंडीचा जा रहे हैं अपने अभी राधा रानी से मिलने, एक सेपरेशन जो महसूस हो रहा है, वैसे ही एक भक्त के नाते, एक अनवर्दी वर्थ भक्त हूं मैं, लेकिन एक जो सेपरेशन मेरे को अभी जो रियल में सेपरेशन फील हो रहा है, वो आज मैं महसूस कर रहा हूं कि जगन्नाथ जी आए और अपने भक्तों को आज सभी को दर्शन दे, और वो ही एक मेरी प्रार्थना रही थी, और आज मैं वहीं पे वेट कर रहा हूं, तो इससे बड़ी कृपा मेरे पास नहीं पहुंच सकती, तो मैं बहुत ही बहुत खुश हूं।
ये भगवान की अपार कृपा है। ऐसे कोई भगवान नहीं है विश्व में जो भगवान एक अपने भक्त के लिए बाहर सड़क पे आ रहा है। वैसे तो हम देखते हैं भगवान अपने गजा वेश में द्वारकाधीश में खड़े हैं एक सारी ईश्वरता के साथ, लेकिन आज भगवान स्पेशली भक्तों को अपनी अपार कृपा देने आ रहे हैं। जिन जिनको भी अपना दर्शन नहीं मिल पाता, आज फॉरेनर्स जितने भी हैं सारे आते हैं भगवान के लिए और सबको आज दर्शन देने आ रहे हैं, अपार कृपा करने आ रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है और बहुत ही अपार कृपा है। आज ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं। एक बचपन से ही उत्कंठा थी, चूँकि मैं उड़ीसा से नहीं हूँ, आज मुझे सौभाग्य मिला कि मेरा यहाँ पोस्टिंग है और मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, इतने लोगों को संभालना और पूरी सफलता के साथ अपने रथ यात्रा का संपादन करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, तो मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं। और मैं सभी जो डिवोटी हैं जगन्नाथ जी के, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूर्व में भी आप जानते हैं केवल रथ यात्रा कल यही नहीं होती है, आप विदेशों में भी जाइए वहाँ भी रथ यात्रा होती है, जो इंडिकेट करता है कि कितने अनुयायी ईश्वर की को पालन करते हैं। ईश्वर का शायद यही संदेश है कि सभी को अधिकार है उन्हें उनकी पूजा करने का, उनको मानने का, और वो ईश्वर किसी भेदभाव में विश्वास नहीं करते हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। राष्ट्रपति ने दिल्ली के हौज खास स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में सुबह दर्शन भी किए। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ होने के अवसर पर सभी देशवासियों, विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ के भक्तों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करती हूँ कि भक्ति और समर्पण का यह त्यौहार सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। जय जगन्नाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी और सभी के अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक समृद्धि की कामना की। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, रथ यात्रा की सभी को शुभकामनाएं, हम इस पवित्र अवसर का उत्सव मना रहे हैं। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा हमारे जीवन को स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक समृद्धि से भर दे। प्रधानमंत्री ने आषाढ़ी बीज के अवसर पर सभी को, खासतौर पर दुनिया भर में रहने वाले कच्छी समुदाय के लोगों को बधाई दी। हम आपको बता दें कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक त्यौहार है। यह उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन गुजरात के कच्छी समुदाय के लोग अपना नया साल मनाते हैं। जहां तक गुजरात में रथ यात्रा की बात है तो यहां भी इसकी धूम देखते ही बन रही है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुजरात पुलिस ने पहली बार रथ यात्रा में पूरे मार्ग पर निगरानी के लिए 3D मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है और किसी भी अवैध ड्रोन को आने से रोकने के लिए ड्रोन रोधी तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने की झाड़ू से रथ का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म के रूप में पाहिंद विधि में भाग लिया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के रथ जमालपुर इलाके में स्थित 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से 18 किलोमीटर की रथ यात्रा के लिए निकले। रथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह मंदिर में मंगल आरती की। रथ यात्रा में 3 रथों के साथ करीब 15 सजे धजे हाथी भी चल रहे हैं। इनके अलावा 100 ट्रक में झांकियां और गायक मंडलियां साथ में हैं। यात्रा पुराने शहर से निकलकर मंगलवार रात 8:30 बजे तक मंदिर लौटेगी। रास्ते में जमालपुर, कालूपुर, शाहपुर और दरियापुर जैसे कुछ सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र भी पड़ेंगे। अधिकारियों के अनुसार रथ यात्रा के मार्ग में सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर शहर पुलिस, होमगार्ड, राज्य रिजर्व पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 26,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।